हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ उड़द दाल की बड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे आप एक बार बना के साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और किसी भी सब्जी के साथ इसे ऐड करके सब्जी को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ी बनाने के लिए हमने लिए है 1 कप उड़द दाल, ये धुली हुई उड़द दाल है, और साथ में 1/2 कप मसूर की दाल भी ली हूँ, और 1/4 कप अरवा चावल। दोस्तों आप इसके बिना भी सिर्फ उड़द दाल से भी ये बड़ी बना सकते हैं। मैंने इसको ऐड किया है इसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसको 4 घंटे के लिए भिंगो देंगे। देखिए इस तरह से ये भींग के फूल चुके हैं। अब इसका हम पेस्ट बनाएँगे। भिगो ये दाल को हमने एक मिक्सर जार में ले लिया है और साथ में लिया है एक सूखी लाल मिर्च। दोस्तों मैं इसे बिना मसाले के ही बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें जीरा पाउडर या फिर अजवाइन भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैंने एक सूखी लाल मिर्च लेके इसका पेस्ट बना लिया है और इस तरह से एक प्लास्टिक पैकेट में भर के मैं इसका बड़ी बना लूँगी। देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप इसमें भी भर के इस तरह से छोटी छोटी बड़ी बना सकते हैं या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लेके उसको ग्रीस कर लीजिए और एक पैकेट के अंदर पेस्ट को भर के थोड़ा छोटा साइज में आप बड़ी बना लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है। इस तरह के खाली पैकेट आपके घर में होंगे ही, आप उसी पैकेट में भर के आप बहुत आसानी से ये बड़ी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने सारी बड़ी बना ली है। अब हम इसे धूप में सुखाएंगे। एक दिन में ही ये सूख के तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों ये बड़ी बन के तैयार है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, और हम इसे अब स्टोर करके रख लेंगे। और जब भी हम कोई सब्जी बनाएंगे तब इसको पहले फ्राई करके फिर सब्जी में ऐड कर देंगे, इससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।